हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाकवे एजुकेशन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। मेल्स में जो हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं और वो क्या क्या काम करते हैं, वो जानने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो फंक्शन कैसे करता है, वो काम कैसे करता है। द एंटायर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज डिपेंडेंट ऑन हॉर्मोन्स। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है कि जो सारा का सारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो हॉर्मोन्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप लोगों ने हमारी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाली वीडियोस देखी होंगी तो हम लोगों ने वहाँ पे भी डिस्कस किया है कि जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों में ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो हार्मोनल कंट्रोल के अंडर आता है। अलग हार्मोन्स हैं जो हमारी बॉडी जरूरत पड़ने पर सिक्रीट करती है और उन्हीं हार्मोन्स की वजह से सारा का सारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम टाइम आने पे अपना अपना काम करता है। अब ये जो हार्मोन्स क्या है, हार्मोन्स आर केमिकल्स। देखिए हार्मोन्स क्या होते हैं, हार्मोन्स आर केमिकल्स दैट स्टिमुलेट और रेगुलेट द एक्टिविटी ऑफ अ सेल और ऑर्गन्स। जो हार्मोन्स हैं वो ऐसे केमिकल हैं जो हमारे अलग अलग सेल्स या ऑर्गन्स की एक्टिविटी को स्टिमुलेट करती हैं। स्टिमुलेट मतलब कि वो अपनी एक्टिविटी करनी शुरू करें, या फिर रेगुलेट करती हैं। रेगुलेशन का मतलब है कि कोई एक्टिविटी चल रही है लेकिन वो कब तक चलानी है या कब उसको स्टॉप करना है या किस स्पीड पे करना है। तो स्टिमुलेशन और रेगुलेशन दोनों ही काम जो है हार्मोन्स करते हैं। जितने भी हार्मोन्स हैं वो सारे के सारे हमारे ब्रेन के कंट्रोल के अंडर आते हैं। हमारे ब्रेन का पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस जो है वो अलग अलग हार्मोन्स की सिक्रीशन को कंट्रोल करता है और ट्रिगर करता है। इसीलिए अगर हम लोगों को कई बार तनाव हो जाए या फिर उन्हें कोई और मानसिक परेशानी हो तो वो लोग भी जो हैं वो कंसीव नहीं कर पाते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन से हार्मोन्स जो हैं वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। उनमें से पहला हार्मोन है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दूसरा है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और तीसरा है टेस्टोस्टेरोन। अब ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है यानी कि FSH और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, ये तो मेल और फीमेल्स दोनों में सिक्रीट होते हैं, लेकिन मेल और फीमेल के पर्टिकुलर सेक्स हार्मोन्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। फीमेल्स में प्रोड्यूस हो रहे थे एस्ट्रोजन और यहाँ पे मेल्स में प्रोड्यूस हो रहे हैं टेस्टोस्टेरोन। मेल्स में टेस्टोस्टेरोन जो है वो प्राइमरी सेक्स हार्मोन है। अब हम लोग बात करेंगे कि ये जो हार्मोन्स हैं इसके अलावा और कौन कौन से हार्मोन जो हैं इन्वॉल्व हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंट्रोल करने में और क्या क्या रोल प्ले करते हैं ये हार्मोन इस सारे के सारे फंक्शन में। सबसे पहले आता है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये जो हम लोगों ने लिखा है GnRH, इसकी फुल फॉर्म है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। जो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है इसे हाइपोथैलेमस रिलीज करता है और हाइपोथैलेमस से ये जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड में और हाइपोथैलेमस फिर ये जो है पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो FSH यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड LH यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को सिक्रीट करे। जो हार्मोन है वो है FSH। FSH कौन सा हार्मोन है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये जो हार्मोन है इसका काम क्या है, ये स्पर्म मैच्योरेशन में हेल्प करता है। उसके बाद आ जाता है LH। LH मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये जो LH है ये लेडिड सेल से बाइंड हो जाता है। लेडिड सेल जो है उनके बारे में हम लोगों ने अपनी टेस्टिस की एनाटॉमी वाली वीडियो में बताया हुआ है, आप लोग उस वीडियो को ज़रूर चेक करें। और अगर आपको वो वीडियो अच्छी लगे तो उस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अगर अभी तक की इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बिल्कुल भी काम की लगी है, थोड़ी सी भी यूजफुल लगी है, तो आप हमारे चैनल पार्कवे को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है ये लेडिड सेल से बाइंड करके लेडिड सेल को टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन प्रोड्यूस करने के लिए स्टिमुलेट करता है। उसके बाद आ जाता है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जो है ये सेक्स ड्राइव को स्टिमुलेट करता है। और लास्टली आ जाता है इनहिबिन। इनहिबिन जो है, आप लोग इसको याद करना चाहते हो तो याद करो इनहिबिशन। इनहिबिशन हम लोग वर्ड का यूज करते हैं जब हम लोग किसी चीज पे रोक लगा देते हैं, तो यही काम है इनहिबिन हार्मोन का।
इनहिबिन हार्मोन जो है वो नेगेटिव फीडबैक का काम करता है एफएसएच और गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के लिए। इनहिबिन जो है वो एफएसएच और गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन की सिक्रीशंस को स्टॉप कर। अब यहाँ पे एक और वर्ड नया आ गया है, दैट इज नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक जो है इसके बारे में हम लोगों ने बहुत डिटेल से अपनी पिछली वीडियो यानी कि हार्मोनल कंट्रोल ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बताया है। नेगेटिव फीडबैक क्या होता है? फीडबैक क्या होता है? जब एक चीज की प्रोडक्शन इतनी ज्यादा हो जाती है कि उसकी जो एक्सेस अमाउंट है वही उसके ट्रिगर को स्टॉप कर दे, तो उसको बोला जाता है नेगेटिव फीडबैक। इस चीज का मतलब क्या है कि जो एफएसएच है और टेस्टोस्टेरोन है इसकी अमाउंट जब मेल्स के ब्लड में बहुत ज्यादा हो जाती है तो इन्हीं से ट्रिगर होती है इनहिबिन की प्रोडक्शन। और फिर ये जो इनहिबिन है ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन और एफएसएच की सिक्रीशन को स्टॉप कर देता है, तो इस चीज को बोला जाता है नेगेटिव फीडबैक। देखिए ये यहाँ पे एक फ्लो चार्ट की हेल्प से समझाया हुआ है कि किस तरह मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम काम करता है। देखिए द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी इज सिग्नल्ड बाय हाई पल्सेस ऑफ गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीटेड बाय हाइपोथैलेमस। मेल्स जो हैं उनमें प्यूबर्टी को स्टिमुलेट करने के लिए उनका जो ब्रेन है हाइपोथैलेमस है वो बहुत ज़्यादा गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करना शुरू कर देता है, जिससे क्या होता है कि एफएसएच और एलएच की सिक्रीशन शुरू हो जाती है। अब जो एफएसएच है ये सर्टोली सेल्स को सिग्नल करता है कि वो स्पर्मेटोजेनेसिस को इंड्यूस कर दें, स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस स्टार्ट कर दें। और जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है ये टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन को ट्रिगर करता है विद द हेल्प ऑफ लेडीज सेल। ये जो लेडीज सेल हैं यही टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करते हैं और जो टेस्टोस्टेरोन है इसी की वजह से मेल्स में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट होती है। तो इस तरह से जो हॉर्मोन्स हैं मेल्स में प्यूबर्टी इंड्यूस करते हैं और उनकी बॉडी में जो प्यूबर्टी में आने वाले चेंजेस हैं उनको शो करते हैं। लेकिन जब स्पर्मेटोजेनेसिस और टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है तो उसके बाद जो सर्टोली सेल्स हैं वो इनहिबिन प्रोड्यूस करना शुरू करते हैं। अब ये जो इनहिबिन है ये टेस्टोस्टेरोन के हाई लेवल्स के साथ मिलके फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की रिलीज जो है उसको इनहिबिट कर देता है, स्टॉप कर देता है। तो इस तरह से ये जो सारा का सारा सिस्टम है ये वर्क करता है। यहाँ चार्ट पे देखिए एक बार, सबसे पहले जो हाइपोथैलेमस था उसने गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज किए और जो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स थे उन्होंने एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट किया कि वो LH यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और FSH यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रीट करें। अब ये जो दोनों ही हार्मोन्स हैं FSH और LH यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इन दोनों के जो टारगेट सेल्स हैं वो अलग अलग हैं। जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स हैं उन्होंने सर्टोली सेल्स को ट्रिगर किया कि वो स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट करें और इनहिबिन प्रोड्यूस करें। और जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है उन्होंने लेडीज सेल को स्टिमुलेट किया कि वो टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करें। लेकिन अब जब स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो बहुत ज़्यादा होने लगी और टेस्टोस्टेरोन की अमाउंट ब्लड में बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो टेस्टोस्टेरोन और इनहिबिन ने आपस में मिलके जो है नेगेटिव फीडबैक देना शुरू किया। सबसे पहले तो इनहिबिन ने एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को बोला कि आप एफएसएच सिक्रीट करना बंद करो और टेस्टोस्टेरोन ने भी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को बोला कि आप एलएच सिक्रीट करना बंद करो। और उसके बाद उन्हें पता लगा कि ये सारा काम तो शुरू किया है हाइपोथैलेमस ने, तो वो दोनों ही गए हाइपोथैलेमस के पास और उनको बोला कि आप GnRH यानी कि गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स जो हैं उनको सिक्रीट करना बंद कर दो। तो इस तरह से ये सारा का सारा हार्मोनल कंट्रोल सिस्टम जो है इस तरह से ये सारे हार्मोन्स मिलके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं, उसकी फंक्शनिंग को मेंटेन करके रखते हैं। मुझे उम्मीद है आपको हमारा आज का लेसन अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये लेसन पसंद आया है तो आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमेशा ही आपको ऐसी ही और यूज़फुल वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू।